राजधानी कोहरे के साथ स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस सीजन में पहली बार कल वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। मंगलवार की तुलना में 84 सूचकांक की वृद्धि हो गई और ऐसे में लोग गंभीर प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली में मजबूर है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ ही आंखों में जलन महसूस हो रही है और वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो ये लगातार गंभीर श्रेणी में रहती है तो ग्रैप का तीसरा चरण भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक प्रदूषण में पराली के धुएं के साथ ही ट्रांसपोर्ट और खुले में जलने वाले कूड़े की हिस्सेदारी रही। इसमें ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 13.36% रही है, जबकि मंगलवार को पराली के धुएं की 17.85% और खुले में कूड़ा जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 1.2% रही। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी कर बताया है कि कोहरे की वजह से कुछ हवाई अड्डे, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर भी जो सेवा है उसका वो प्रभावित हुई है और असर पड़ा है इसका। घने कोहरे में प्रदूषण के कण और अन्य प्रदूषण होने के चलते फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य बीमारी भी हो रही है। विभाग का पूर्वानुमान है कि आज कुछ जगहों पर सुबह स्मॉग हल्के से मध्यम स्तर और कोहरा और धुंध रहेगी और सुबह वो देखने को भी मिली। शाम और रात में स्मॉग धुंध की संभावना जताई गई है और इस दौरान खासतौर पर आसमान साफ रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बुधवार को जब लोग सुबह सोकर उठे तो बाहर कोहरे की एक मोटी परत देखी गई थी, यानी कि सीजन का पहला कोहरा और दिन भर सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत वाहन चालकों को हुई। इससे सड़कों पर लोग गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलते दिखे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ स्मॉग और कोहरा कम हो गया, लेकिन शाम होते ही फिर से स्मॉग की एक चादर दिखाई दी जो कि आज सुबह तक जारी रही। इस दौरान अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 27.8 डिग्री दर्ज किया गया है और ये इस महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। साथ ही न्यूनतम तापमान की भी बात कर ले तो 3 डिग्री अधिक हुआ, ये यानी कि 17 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है रिज में 13.9 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में आने वाले सोमवार को अधिकतम तापमान जहाँ 30 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। साथ ही मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की संभावना है। प्रदूषण ने हॉटस्पॉट के साथ ही अन्य इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बुधवार को आनंद विहार में AQI अति गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। साथ ही 26 ऐसे इलाके रहे जहां हवा गंभीर और 6 इलाकों में तो हवा खराब रही। वेंटिलेशन इंडेक्स की भी बात करें तो वह 12,000 घन मीटर प्रति सेकंड रही और 24 घंटे के भीतर वेंटिलेशन इंडेक्स 12,000 घन मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। CPGB के मुताबिक शनिवार को कमोबेश हवा बेहद खराब रहने की आशंका है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार ही बनी रहेगी और रात के समय हल्का कुहासा छाया रहेगा, साथ ही आसमान में स्मॉग भी रहेगा। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि जो प्रदूषक के फैलाव के लिए मौसम संबंधी जो स्थितियाँ हैं वो बेहद प्रतिकूल होने से ही स्थिति जो है वो बिगड़ी है। IITM के मुताबिक हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेंगी। इस दौरान हवा की गति 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे में रही और गुरुवार को भी हवा उत्तर पश्चिम दिशा में चलने का अनुमान है। तो एक बार आपको बता दें कि जो AQI है वो अलग अलग जगहों पर कितनी है। तो दिल्ली NCR में दिल्ली में 418 दर्ज किया गया AQI, ग्रेटर नोएडा में ये 364 है, नोएडा में 359, गाज़ियाबाद में 350 AQI दर्ज किया गया, गुरुग्राम में 321 और फरीदाबाद में 262। तो फॉग और स्मॉग दोनों के ही चपेट में दिल्ली NCR है और इसी के मुताबिक आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और जब आप ड्राइव करें तो भी बहुत ही सावधानी बरतें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।